नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। इसी बीच झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने चुनाव से संबंधित प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव 4 से 5 चरणों में आयोजित करवाए जा सकते हैं और चुनाव का आयोजन पंचायती राज विभाग के अनुसार 10 से 30 दिसंबर के बीच में करवाया जा सकता है। इसको लेकर जल्द ही प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति से कैबिनेट में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। कैबिनेट की मुहर के बाद पंचायत चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल से अनुमोदन मिलते ही चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि इन सब शोरगुल के बीच झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जून में वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था। सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। चुनाव चिन्ह अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने इस बाबत हर जिले में चुनाव से संबंधित वेबसाइट शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। फोटो युक्त मतदाता सूची का काम किया जा रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरक्षा बल की तैनाती का खाका तैयार किया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों ARO RO की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार की ही तरह झारखंड का पंचायत चुनाव भी कोरोना के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। यही कारण है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव 2015 में हुआ था। 5 साल पूरा होने के बाद कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हो सका और पंचायती संस्थाएं विघटित हो गई। इसके साथ ही सरकार ने 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर 6 महीने तक के लिए कार्यकारी संस्थाओं का गठन किया था। कोरोना संक्रमण के कारण पंचायती चुनाव इस दौरान भी नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार राज्यपाल की स्वीकृति से दोबारा इसका विस्तार कर चुकी थी। इसके तहत ही पंचायत चुनाव होने तक गांव में विकास कार्यों को संचालित करते रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 10 अगस्त को कार्यकारी समितियों का गठन किया गया था, जिसका अवधि विस्तार तब तक के लिए किया गया है जब तक त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न न हो जाए। इसको लेकर संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि कोरोना के कारण तय समय में पंचायत चुनाव नहीं करवाया जा सका है। कार्यों को संचालित करने के लिए 2 बार वैकल्पिक व्यवस्था भी कराई गई है। इतना ही नहीं, लोगों को आश्वस्त भी किया गया था कि राज्य में 31 दिसंबर तक पंचायत चुनाव करवा लिए जाए, इसके आधार पर ही प्रस्ताव बनाने का काम किया जाए। एक बार इस मुद्दे को लेकर सीएम से विचार विमर्श हो जाए, उसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। हालांकि अब तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार 4 से 5 चरणों में पंचायत चुनाव करवाने का प्रस्ताव है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड में कुल 4,402 ग्राम पंचायतें हैं, जहां मुखिया के अलावा 54,330 ग्राम पंचायत सदस्य, 5,423 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 545 सदस्यों का चुनाव किया जाना है। कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 64,700 पदों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव की प्रशासनिक कवायद तेज होते ही गाँव में भी राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।